Next, coming to the papers set by ICAI this time, I must say the papers are very conceptual. मैं ओल्ड कोर्स हूँ, मेरा फर्स्ट ग्रुप ओल्ड कोर्स. ओल्ड कोर्स के चार पेपर्स, दो आई नो कि न्यू कोर्स के में कैसे गए थे तो मैं वो भी बताऊंगी आपको. ओल्ड कोर्स में FR, ओल्ड कोर्स में स्टार्टिंग विथ FR, जो लोग जिन लोगों ने एग्जाम दिया है और वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, एग्री कर रहे हो तो प्लीज़ बताइएगा मेरे को. FR was tricky, lengthy, conceptual. मतलब ऐसे भले ही आपको क्वेश्चन ऊपर से ऐसे वो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें आप क्वेश्चन देख लोगे क्वेश्चन पेपर तो यू विल बी लाइक हाँ चलो मैनेजेबल है. और फिर जैसे ही स्टार्ट करने जाएंगे ना तो हर एक एडजस्टमेंट में छोटा 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 ट्विस्ट है, कुछ भी सीधे सीधे नहीं दे दिया कि भाई चलो कर लो. ऑन द अदर हैंड न्यू कोर्स, जहाँ तक मेरे को पता है FR was easy, FR was मैनेजेबल. जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं न्यू स्टूडेंट्स न्यू कोर्स के, उनके काफ़ी अच्छे गए पेपर्स. द पेपर्स वर गुड फॉर न्यू कोर्स फॉर FR. फर्स्ट टाइम टॉकिंग अबाउट FR. FR वॉज गुड फॉर न्यू कोर्स. अ बिट ट्रिकी, अ बिट लेंदी पेपर. लेंदी इन द सेंस लास्ट दो मिनट तक में ऐसा था कि यार पेपर छूट जाएगा. एंड काफ़ी लोगों के छूटे हैं. द पेपर वेंट इनकम्प्लीट फॉर मैनी स्टूडेंट्स, इवन माइन. आई गेस अराउंड 5 to 7 मार्क्स आई हैड ऑल्सो लेफ्ट, क्योंकि टाइम ही नहीं था. लास्ट एक मिनट तक आई वॉज राइटिंग. एंड फर्स्ट पेपर था, इतना लेंदी था, हाथ में क्रैम्प्स आने लग गए थे वो 3 आवर्स में. सो पेपर वॉज लेंदी, पेपर वॉज ट्रिकी, पेपर वॉज कंसेप्चुअल. आप जब सॉल्व कर रहे हो ना तो ऐसे PM का सम किया है तो अपने आप ये सम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है. सिंस द एडजस्टमेंट्स जो दिए थे, समझो गुडविल का सम था तो उसमें गुडविल भी है और उसमें मर्जर्स भी डाल दिया. ऐसे एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट्स डाल दिए. और जो अपना अमालगमेशन का सम है उसमें इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन भी है, उसमें मर्जर भी करना है, उसमें इंटरहोल्डिंग भी दिया हुआ है. तो ऐसे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज लगाना पड़ता है, सीधा PM से किया हुआ सम नहीं आता. सो दैट वॉज विथ FR. ओवरऑल ठीक है बट थोड़ा सा टफ था, जितना FR आता नहीं है इतना टफ यूजुअली फर्स्ट पेपर. तो हमने सोचा कि चलो हमारी तो ओल्ड कोर्स की तो FR में ही बजा दी, लाइक दे टारगेट 1 पेपर ना इन 4 पेपर्स. तो वी थॉट इट्स ओवर नाउ, FR वॉज अ बिट ट्रिकी, सो प्रोबेबली द नेक्स्ट 3 पेपर्स विल बी मैनेजेबल फॉर अस. दैट इज हाउ वी वेंट ऑन. नेक्स्ट कमिंग टू SFM, SFM फॉर ओल्ड कोर्स वॉज वेरी इजी. 100 मार्क्स का पेपर, एक्चुअली मोर होता है ना ऑप्शन मिला के, इट्स 116 मार्क्स का पेपर. तो आई वुड से रादर 100 मार्क्स का पेपर वॉज फ्रॉम PM, कॉपी पेस्ट फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल ऑफ ICAI. पूरा का पूरा PM से आया था. एंड ओल्ड कोर्स का तो काफ़ी ईजी हो गया ये पेपर. न्यू कोर्स का SFM वॉज वेरी मच टफ. जितना मेरे को रिव्यूज आया है ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट, सॉरी न्यू कोर्स के स्टूडेंट से जितना रिव्यू आया है, SFM was very much tricky, very much conceptual, all new questions, and a few questions were from a few teachers से हमारे बुक से आया था. ओवरऑल ऐसा questions था कि यार बच्चे पहली बार ही देख रहे हैं और काफ़ी कुछ mix किए हुए थे, नए questions, बड़े questions, complicated questions. So people were quite upset after the SFM paper, new course specially. Actually tricky paper. The level was very much high for SFM new course. Then coming with audit. Audit old course, again conceptual paper. Conceptual paper and tricky paper, MCQs were not so straightforward. हर बार जैसे ICAI के sample MCQs भी देख लो आप, वो भी एक बार के लिए manageable हो जाते हैं. But in the question paper it was not so manageable for audit. MCQs में भी conceptual था और questions भी आपको, मतलब पूरे 100 मार्क्स के पेपर में से 25 मार्क्स के questions आपको मिल जाएंगे कि लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है या PM में कहीं ना कहीं देखा हुआ है. सो इट इज़ मैनेजेबल. बट बाकी का पेपर वॉज conceptual, आपके concept क्लियर होने चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए पूरे सब्जेक्ट का. फिर लास्ट डे पे क्या होता है, 1.5 डे पे अपन ABC एनालिसिस में जाते हैं. ABC एनालिसिस में जाते हैं तो सी कैटेगरी छोड़ देते हैं और वो सी कैटेगरी से ही पेपर आ जाता है फिर. लेकिन ऐसा नहीं है कि सी कैटेगरी से आया, पूरा ABC छोटे छोटे तक कॉन्सेप्ट, सॉक्स ऑडिट जैसे चैप्टर्स जो हम लोग यूजुअली लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, वो तक 5 मार्क के लिए कवर्ड था.
तो इन डेप्थ नॉलेज और मेमोरी पावर, क्योंकि इतना बड़ा ऑडिट का सिलेबस है, एक दिन पहले में हम पढ़ तो रहे हैं पर वी आर श्योर के यार पढ़ रहे हैं कुछ याद नहीं रहने वाला है, पेपर में जो होगा देखा जाएगा, और फिर पेपर आता है तो वो याद रहना जरूरी था इस बार, क्योंकि देन वी गेट कंफ्यूज एंड वी टेंड टू मेक मिस्टेक, तो वैसा हो जाता. सो इट वॉज हाई लेवल, आई कैन से दैट क्लास अच्छा था. ऐसा नहीं कि भाई सीधा ऑडिट का पेपर डाल दिया. हर बार भी ऑडिट का पेपर इजी आता है. इजी मतलब द क्वेश्चंस यू नो, वो एक चीज़ हो जाती है कि हर क्वेश्चन का आंसर अपन को सेम ही लगता है, फिर अपन राइट आंसर नहीं देते हैं बोल के ऑडिट में मार्क्स नहीं मिलते हैं. बट दिस टाइम तो क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल थे. फॉर न्यू कोर्स ऑल्सो सेम एवरेज पेपर जैसा ओल्ड ऑडिट जो है ना, न्यू और ओल्ड दोनों का एवरेज था. दोनों से सेम रिव्यूज आए मेरे को, सेम कंसेप्चुअल MCQs, इन डेप्थ MCQs, कंसेप्चुअल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट कमिंग टू लॉ, लॉ ओल्ड कोर्स बजा दी, बुरी तरह से बजा दी. माई वर्स्ट पेपर, इट वॉज माई वर्स्ट पेपर रियली. आई वॉज वेरी मच अपसेट आफ्टर लॉ एंड ओल्ड कोर्स में. लॉ में जैसा आई टोल्ड यू, फर्स्ट पेपर ही हमको लगा कि यार FR में टारगेट कर लिया है तो बाकी तीन पेपर ठीक से जाएंगे, बट नहीं, ऑडिट में भी वापस टारगेट किया, लॉ में भी वापस टारगेट किया. सो अभी ऐसा ट्रेंड आ गया है ना ICAI का कि द पेपर सेटिंग लेवल हैज़ बीन इंक्रीज्ड नाउ, द लेवल हैज़ बीन इंक्रीज्ड एंड द कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इज बीइंग टेस्टेड नाउ एंड इट्स द कवरेज ऑफ सिलेबस. यू जस्ट कैनॉट रिलाई ऑन ABC एनालिसिस, यू हैव टू कवर एवरीथिंग, यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, तब जाके पेपर ढंग का होता है. तो लॉ में भी द ओल्ड कोर्स पेपर वॉज अ बिट टफ, टफ इन द सेंस टू मच ऑफ IBC, टू मच ऑफ FEMA, डायरेक्टर्स जैसा मेन चैप्टर बहुत ही कम मार्क्स का था, मैनेजमेंट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन वाला चैप्टर, बोर्ड मीटिंग्स चैप्टर बहुत ही कम मार्क्स के थे और मेजॉरिटी वॉज कवर्ड फ्रॉम पेनल्टीज एंड IBC, FEMA. सो ओवरऑल द पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, लेवल हाई था. स्पीकिंग अबाउट द लॉ न्यू कोर्स, इट वॉज एवरेज, इट वॉज एवरेज अगेन. हमारे जितना मतलब टफ नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा टफ था मेरे ख्याल से ओल्ड सिलेबस वाला. न्यू वॉज अ बिट एवरेज, हाँ थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल था, बट पीपल वर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर गिविंग द पेपर. सो ओवरऑल इट वॉज गुड. सो ये चार पेपर के रिव्यूज हो गए मेरे. एंड सेकेंडली, आपको जो कवर करना है जैन एग्जाम्स के लिए, ICAI स्टडी मटेरियल वेरी मच इम्पॉर्टेंट. रादर देन एनी अदर बुक्स, फर्स्ट कवर ICAI स्टडी मटेरियल, ओल्ड कोर्स ICAI स्टडी मटेरियल एज वेल एज ICAI प्रैक्टिस मैनुअल. कंसेप्चुअल स्टडी, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारे हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं एग्जाम में आजकल, तो रट्टे नहीं मारने हैं. कंसेप्चुअल नॉलेज हैज टू बी वेरी मच क्लियर एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, जितना हो सके. टाइम मिला है जनवरी के लिए, जो लोग ऑप्ट आउट किए हो बार बार रिवाइज करो. वैसे भी अभी जनवरी के लिए टाइम नहीं बचा है, पढ़ाई तो अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी. ऑप्ट आउट करके यू हैव टू स्टडी नाउ, क्योंकि 53 डेज बचा है. चार सब्जेक्ट्स भी अगर आपको दो बार रिवाइज करने हैं तो 53 डेज लगेंगे, और दो बार रिवीजन के बिना कुछ याद नहीं रहता है. और आजकल जो पेपर आ रहे हैं, मैं आपको बोलूँ कि ओल्ड कोर्स में भी दे हैव पुट सम न्यू कोर्स क्वेश्चंस, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैंने लॉ में कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ नए क्वेश्चन थे, पहले कभी देखे ही नहीं हमारी बुक में, ओल्ड की लाइक PM वगैरह में कभी देखे नहीं थे. तो आई गेस थोड़े बहुत न्यू के भी कॉन्सेप्ट्स वो लोग टेस्ट कर रहे हैं. तो ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि न्यू की बुक पढ़नी है, बट कॉन्सेप्चुअल स्टडी हैज टू बी डन एंड यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स सो दैट याद रहे चीजें. नहीं तो एंड में क्या होता है, इतनी सारी ऑडिट में पेनल्टी, लॉ की पेनल्टीज, ऑडिट के लिमिट्स, ये सब ना कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर किसमें क्या एप्लीकेबल है मालूम नहीं, कुछ गलत ही लिख के आ गए और मार्क्स खो दिए, ऐसे हो जाते हैं. सो यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. सो दिस इज ऑल फॉर करंट सिनारियो. The papers were over for old course, so mere papers have been done. And I'll be constantly guiding group 2 people. You can stay in touch with the channel. I'll be soon releasing, like tomorrow only, after the costing paper, I'll be releasing ISKA video, like how I scored exemption in ISKA. So stay tuned with the channel. I'll soon come up with new videos. I'll be there to guide you and there to share your pain, because I know how the papers are going and how ICAI is
like setting the level of papers. So it's okay, just relax, just chill out and give your paper with a calm mind. क्योंकि जो पढ़ा है उसको भूल के regret नहीं करना बाद में कि यार पढ़ा था पर इतने tension में ना कुछ गलत हो गया, वो नहीं होना चाहिए. सो जो अपने हाथ में है कि टेंशन साइड में रखो, उतना तो करना ही चाहिए अपन को. बी काम, एकदम शांति से पेपर लिखो, सब अच्छा जाएगा. ऑल द बेस्ट टू एवरी वन हु इज प्रिपेयरिंग ग्रुप टू एंड गिविंग ग्रुप टू फ्रॉम टुमारो, एंड ऑल द बेस्ट टू जैन स्टूडेंट्स एज वेल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.